हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल रिव्यू। आज का ये वीडियो चैप्टर 2 जनरल डिफेंसेस का है और ये है लेक्चर 3। जनरल डिफेंसेस के अंदर हम 8 डिफेंसेस पढ़ेंगे जो कि है वॉलंटरी नॉनफिट इंजुरिया, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, इनएविटेबल एक्सीडेंट्स, एक्ट ऑफ गॉड, प्राइवेट डिफेंस, मिस्टेक, नेसेसिटी एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। ये 8 डिफेंसेस टॉट के अंदर जनरल डिफेंसेस माने जाते हैं जो कि जनरली हर टाइप के टॉट में एप्लीकेबल हो जाते हैं या फिर इनमें से कुछ एप्लीकेबल होते हैं, पर लेकिन इनको जनरल डिफेंसेस बोला जाता है बेसिकली। तो इस वीडियो के अंदर हम इन 8 डिफेंसेस में से इन 4 डिफेंसेस को कवर करेंगे जो कि है वॉलंटरी नॉनफिट इंजुरिया, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, इनएविटेबल एक्सीडेंट एंड एक्ट ऑफ गॉड। ये अगले 4 जो डिफेंसेस हैं ये हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, अदरवाइज इस वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो भी जनरल डिफेंसेस हैं क्या ये देखते हैं। जब भी कोई प्लेंटिफ किसी दूसरे इंसान के खिलाफ कोई केस करता है तो जो डिफेंडेंट है वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ डिफेंसेस ले सकता है। वो डिफेंसेस ही टॉट के अंदर जनरल डिफेंसेस हैं जो कि हम 8 जनरल डिफेंसेस पढ़ेंगे। व्हेन द प्लेंटिफ ब्रिंग्स एन एक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट फॉर अ पर्टिकुलर टॉट प्रोवाइडिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द एसेंशियल्स ऑफ दैट टॉट, द डिफेंडेंट वुड बी लायबल फॉर द सेम। तो ये जनरल केस है कि अगर एक प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के खिलाफ एक केस किया और सारे एसेंशियल्स प्रूव कर दिए तो डिफेंडेंट उस टॉट के लिए लायबल होगा। पर लेकिन जो डिफेंडेंट है उसके पास एक राइट है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है, तो वो इन जनरल डिफेंसेस को यूज कर लायबिलिटी को अवॉइड कर सकता है इफ इन केस इन 8 में से कोई भी एक जनरल डिफेंस उसके केस में वैलिड बैठता है। तो हमारा पहला जनरल डिफेंस है वॉलंटरी नॉनफिट इंजुरिया। वॉलंटरी नॉनफिट इंजुरिया का लिटरल मीनिंग है नो मैन कैन एनफोर्स अ राइट विच ही हैज वॉलंटरीली वेव्ड और अबैंडन्ड। कि अगर किसी इंसान ने वॉलंटरीली ये बोला है कि मैं वो कोई भी एक इंजुरी को सफर करने के लिए रेडी हूँ, तो उस केस के अंदर वो उस राइट को इन्फोर्स नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंटली सड़क क्रॉस करूँगी, तो एक तरीके से ये हो जाएगा कि मैंने वॉलंटरीली ये बोल दिया है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंटली सड़क क्रॉस कर ही रही हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंटली ड्राइव कर ही रही हूँ, तो मैंने अपना राइट टू सेफ्टी कहीं ना कहीं वेव कर दिया है। तो वो कहता है वॉलंटरी नॉनफिट इंजुरिया। तो इस डिफेंस को हम टॉट के अंदर कब यूज़ करते हैं, बेसिकली जब भी कोई इंसान, अगर मान लीजिए एक प्लेंटिफ है, उसने एक बंदे के खिलाफ कोई केस किया किसी टॉट के अंदर, तो जो डिफेंडेंट है वो क्या बोलेगा, ये डिफेंसेस डिफेंडेंट के लिए होते हैं ना, तो वो बोलेगा कि भाई मेरी तो कोई गलती नहीं थी, प्लेंटिफ ने अपनी मर्जी से कंसेंट अपनी मर्जी से बोला था कि मैं वॉलंटरीली इस इंजुरी को सफ़र करने के लिए रेडी हूँ। तो ये वॉलंटरी नॉनफिट इंजुरिया की एप्लीकेशन ये है। आगे पढ़ते हैं, व्हेन अ पर्सन कंसेंट्स टू द इन्फ्लिक्शन ऑफ सम हार्म अपॉन हिमसेल्फ ही हैज़ नो रेमेडी फॉर दैट इन टॉट। वही चीज़ जो मैं भी बता रही थी कि अगर एक इंसान खुद से कंसेंट दे रहा है किसी हार्म के लिए तो वो टॉट में रेमेडी क्लेम नहीं कर सकता है। अब जो ये कंसेंट है ये एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों हो सकता है। कंसेंट क्या होता है, ये बेसिकली हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ते हैं, बहुत मतलब कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। कंसेंट बेसिकली हिंदी में ये बात है कि मैं राज़ी हो गई कि मैं, मेरे साथ अगर ये काम होगा तो आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। तो ये कंसेंट एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड हो सकता है। अब एक्सप्रेस कैसे होगा, जैसे कि अगर मैं किसी को अपने घर में इनवाइट कर रही हूँ तो मैं उस इंसान को ट्रेसपास का उसके ऊपर केस नहीं कर सकती, वहाँ पे मेरा एक्सप्रेस कंसेंट था कि हाँ भाई आप आओ मेरे घर पे। और इम्प्लाइड कंसेंट कैसे हो गया, अब जैसे कि मैं किसी कोई क्रिकेट गेम देखने जा रही हूँ, क्रिकेट गेम देखने के लिए मैं स्टेडियम जा रही हूँ, मैंने स्टेडियम का उस गेम का टिकट खरीदा और मैं स्टेडियम में जाके बैठ गई। अब उस स्टेडियम में क्या हुआ कि गेम के दौरान बॉल आकर मेरे सर पे लग गई, उससे मुझे लग गई चोट। तो वहाँ पे ये वॉलंटरी नॉनफिट इंजुरिया इस तरीके से एप्लीकेबल होगा कि जो स्टेडियम वाले हैं वो ये बोलेंगे कि भाई आपने जब टिकट खरीदा तो आपने इम्प्लाइड कंसेंट दे दिया कि आपके ऊपर बॉल लग सकती है, क्योंकि आपको पता थी कि इस गेम के अंदर बॉल का इस्तेमाल होता है, बॉल इधर उधर जाती है, तो आपने इम्प्लाइड कंसेंट दे दिया। तो ये एक केस भी है जो कि शायद हम आगे पढ़ेंगे। फॉर द डिफेंस ऑफ कंसेंट टू बी अवेलेबल द एक्ट कॉजिंग द हार्म मस्ट नॉट गो बियॉन्ड द लिमिट ऑफ व्हाट हैज बीन कंसेंटेड। ये पॉइंट समझने के लिए
मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल वो बताया था कि मैंने किसी इंसान को अपने घर में बुलाया कि आप आओ मेरे घर को विजिट करो, तो मैं उसके ऊपर ट्रेसपास का केस नहीं कर सकती, पहली चीज। दूसरी चीज क्या आती है कि मैंने उसको बोला कि भाई आप डाइनिंग रूम में बैठो, मैं अभी आती हूँ 5 मिनट में। मैंने उसको जो कंसेंट दिया, मैंने उसे डाइनिंग रूम में बैठने का कंसेंट दिया। अब वो बिना परमिशन के वो इंसान मान लो बेडरूम में चला जाए, तो वहां पर जो मेरा कंसेंट था उस कंसेंट से जो एक्ट था वो एक्स्ट्रा हो गया, मतलब वो बाहर चला गया उस कंसेंट से, लिमिट क्रॉस कर दिया कि मैंने, मेरा कंसेंट था कि आप डाइनिंग रूम में बैठो, पर उस बंदे ने क्या किया, वो बंदा बेडरूम चला गया। तो वहां पे जो कंसेंट है वो लिमिट क्रॉस करता है। तो इस वजह से उस केस, उन केसेस के अंदर वॉलंटरी नॉन पेट इंजूरिया का डिफेंस नहीं लिया जा सकता है। फिर से पढ़ लेते हैं, फॉर द डिफेंस ऑफ कंसेंट टू बी अवेलेबल द एक्ट कॉजिंग द हार्म मस्ट नॉट गो बियॉन्ड द लिमिट ऑफ व्हाट हैज बीन कंसेंटेड। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। अगला पॉइंट क्या कहता है, द कंसेंट मस्ट बी फ्री, कि अगर मैंने किसी इंसान को कोई कंसेंट दिया है, इधर इम्प्लाइड और एक्सप्रेस्ड, वो कंसेंट फ्री होना चाहिए। फ्री कंसेंट क्या है, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं, फ्री ऑफ एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस या फिर मिस्टेक या फ्रॉड या कंपल्जन ना हो उसके ऊपर, तो उन केसेस के कंसेंट, उन केसेस वाले कंसेंट को हम फ्री कहते हैं। पर लेकिन जिन केसेस में या तो फ्रॉड के, फ्रॉड को यूज कर कंसेंट लिया गया हो, या फिर अंडर कंपल्जन हो, या फिर कोई मिस्टेक हो, तो उन केसेस के अंदर जो कंसेंट है वो खराब हो जाता है, मतलब वो कंसेंट वैलिड नहीं रहता है। तो इस वजह से उसको हम डिफेंस की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। मोर ओवर द एक्ट डन बाय द डिफेंडेंट मस्ट बी द सेम फॉर विच द कंसेंट इज गिवन। वही चीज जो मैंने पहले बोली थी कि जो कंसेंट है, पहली बात तो वो फ्री होना चाहिए जिस चीज की, और दूसरी चीज क्या है कि जिस चीज के लिए मैंने कंसेंट दिया है वही एक्ट होना चाहिए, उससे एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी इसमें एक और मैक्सिम है जो कि है साइंटी नॉन फिट इंजूरिया। साइंटी का मतलब होता है नॉलेज। तो यहाँ पे जब हम वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया पढ़ते हैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझनी कि मेयर नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट। जस्ट बिकॉज मुझे पता था कि वहाँ पे ऐसा कुछ, किसी एक जगह पे कुछ ऐसा हो सकता है, डजेंट मीन कि मैंने उस रिस्क को सफर करने के लिए कंसेंट दिया है। ठीक है, ये केस है स्मिथ वर्सेस बेकर का, ये बहुत लैंडमार्क केस है इस साइंटी नॉन फिट इंजूरिया का। मैं स्मिथ वर्सेस बेकर के फैक्ट्स बता देती हूँ। इस केस के अंदर बेसिकली ये हुआ था कि एक इंसान था जो कि एक ड्रिलिंग कट रॉक कटिंग ड्रिलिंग कंपनी में वर्क करता था। तो उसके अंदर, उसमें क्या हुआ कि वो जहाँ पे वर्क कर रहा था उसके ऊपर से क्रेन के थ्रू रॉक्स लेके जाए जा रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके सर के ऊपर एक रॉक गिर गया, जिस वजह से जो प्लेंटिफ है वो इंसान इंजर हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली कोर्ट ने ये बोला कि जस्ट बिकॉज जो वो ड्रिलिंग वर्कर था उसको ये चीज़ पता थी कि उसके उस एरिया में एक रिस्क है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने उस रिस्क को सफ़र करने के लिए एक्चुअली में कंसेंट दिया था। और इस केस के अंदर ये चीज़ भी हुई थी कि जो एम्प्लॉयर्स थे वो एक तरीके से नेग्लिजेंट थे, जब वो क्रेन से उसके सर के ऊपर से पत्थर लेके जा रहे थे तो इन्फॉर्म नहीं किया गया। तो इस वजह से यहाँ पर बेसिकली जो क्वेरी, जो ये ड्रिलिंग कंपनी थी उसको पनिशमेंट, मतलब उसको लायबल हेल्ड किया गया था। अब इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के एक्सेप्शन हैं, 5 एक्सेप्शन हैं। पहला एक्सेप्शन ये है कंसेंट फॉर एन इलीगल एक्ट। अब अगर दो लोग फिस्ट फाइट के लिए दोनों कंसेंट देते हैं और उस कंसेंट के अंदर किसी एक को चोट लग जाती है, तो यहाँ पर जो कंसेंट है वो इलीगल है, क्योंकि फिस्ट फाइट इंडिया में जैसे इलीगल है, तो उस केस के अंदर उस कंसेंट को हम वैलिड नहीं मान सकते हैं। सेकेंड क्या है, ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, एग्जाम्पल प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट नॉट फुलफिल्ड। अब जैसे कि मैंने अभी जो स्मिथ वर्सेस बेकर्स का एग्जाम्पल दिया, मैंने बताया कि उसमें एम्प्लॉयर्स की भी नेग्लिजेंस थी, तो वही वाली चीज इस एक्सेप्शन के अंदर आ रही है कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का जो क्लेम है वो नहीं ले पाएगा डिफेंडेंट, अगर जो डिफेंडेंट है उसने कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को ब्रीच किया है। मान लो इस ड्रिलिंग वाले केस के अंदर
जो प्लेंटिफ थे उन्होंने किसी एक फैक्ट्रीज एक्ट की किसी प्रोविजन को फुलफिल नहीं कर रखा था और उस वजह से उसे चोट लग गई उस वर्कर को, तो वो इस एक्सेप्शन के अंदर लाई करेगा। तो हम वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का जनरल डिफेंस नहीं ले सकते इन केसेस के अंदर। दैट मीन्स द डिफेंडेंट विल बी हेल्ड लाइबल, डिफेंडेंट कैन नॉट टेक द डिफेंस ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। अगला है नेग्लिजेंस ऑफ द डिफेंडेंट। इसका एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है नेग्लिजेंस ऑफ अ डॉक्टर। मान लो कि मैंने अपना रिटन कंसेंट दिया एक डॉक्टर को कि आप मेरे साथ आप मेरी ये सर्जरी कर सकते हो पर्टिकुलर। अब उस सर्जरी के अंदर अगर डॉक्टर जो है वो नेग्लिजेंटली एक्ट करे, ठीक है, तो वहां पर वो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया नहीं बोल सकता। वो ये नहीं बोल सकता था कि वो ये चीज नहीं बोल सकता वो डॉक्टर कि मैंने खुद ही तो बोला था कि हाँ भाई आप मेरी सर्जरी करो। तो डॉक्टर हैज टू बी नॉन नेग्लिजेंट। इफ ही इज नेग्लिजेंट तो वो ये डिफेंस नहीं ले सकता है। अगला है रेस्क्यू केसेस। इसका लैंडमार्क केस है हिंस वर्सेस हाउड। इस केस के अंदर बेसिकली ये हुआ था कि अगर कि एक सड़क के ऊपर एक इंसान अपने दो घोड़े अनअटेंडेड छोड़ के चला गया। अब उन दो घोड़ों के ऊपर क्या हुआ, एक छोटे से बच्चे ने पत्थर फेंक दिया, तो उस वजह से वो दोनों घोड़े एकदम जंप करने लगे और इधर उधर दौड़ने लगे। इस वजह से एक लेडी के ऊपर वो अटैक करने वाले थे, इतनी देर में पुलिस कांस्टेबल ने क्या किया, उस लेडी को बचाने के लिए वो घोड़े को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा और इस वजह से उस पुलिस कांस्टेबल को चोट लग गई। ये फैक्ट्स थे। तो बेसिकली कोर्ट ने ये बोला कि बिकॉज द पर्सन द पुलिस इंस्पेक्टर वॉज एक्चुअली सेविंग द वुमेन, उसका इंटेंशन था कि वो वुमेन को सेव करे, रेस्क्यू केस था ये, इस वजह से वहां पर वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का कंसेंट का जो एक्सेप्शन है वो नहीं माना जाएगा। और फिफ्थ एक्सेप्शन जो है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का वो है अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एक्ट 1977। इंग्लैंड का एक्ट है ये स्पेसिफिकली वहीं के लिए एक्सेप्शन है। तो इसके इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर स्पेसिफिकली ये चीज़ लिखी गई है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ सीधा सीधा लिखी गई है कि जो एम्प्लॉयर है या फिर किन्हीं किसी भी दो लोगों के बीच में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि नेग्लिजेंस से अगर कोई चोट लगती है तो वो हेल्ड नहीं माना कि उसको लायबल नहीं माना जाएगा, तो वो चीज़ अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एक्ट के अंदर क्लियरली बार की गई है कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है जिसके अंदर नेग्लिजेंस पे लायबिलिटी ख़त्म करने के लिए बोला गया है। ठीक है, अब हमारा सेकेंड जो जनरल डिफेंस है वो है प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। ये जो प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर जो जनरल एक्सेप्शन है ये इस लीगल मैक्सिम पे बेस्ड है, जिसका मतलब क्या है, फ्रॉम एन इमोरल कॉज नो एक्शन अराइज। कि अगर एक जो एक्शन किया है वो इमोरल है तो उस केस के अंदर एक्शन अराइज ही नहीं करता। कि अगर प्लेंटिफ ने खुद ही अपने लेवल पे कोई गलती की है तो वो कोर्ट में जाके कैसे रेमेडी मांग सकता है। इसमें हम ये भी पढ़ते हैं कि भाई अगर आपको कोर्ट से रेमेडी चाहिए तो आपको खुद क्लीन हैंड से कोर्ट में जाना पड़ेगा, तो वो वाला प्रिंसिपल यहाँ पे लगता है। अगला क्या लिखा है मैंने, प्लेंटिव वॉज इन्वॉल्व इन सम अनलॉफुल एक्ट और कंडक्ट ऑफ प्लेंटिव इज कनेक्टेड विद द हार्म सफर्ड बाय हिम एज अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। ये जो प्लेंटिव है उसको जो हार्म हुआ है वो उसी की वजह से हुआ है, ना कि किसी और की वजह से। मतलब कि उसका भी उस पर्टिकुलर हार्म में हाथ था। अब इसका केस क्या है, बर्ड वर्सेस होलब्रुक। इस केस के अंदर जो प्लेंटिव था वो एक ट्रेसपासर था जो कि डिफेंडेंट के लैंड के अंदर घुस गया। तो जनरली क्या होता कि जो डिफेंडेंट है वो प्लेंटिव बनके ट्रेसपासर के खिलाफ एक केस करता कि भाई आपने ट्रेसपास किया। पर इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ कि डिफेंडेंट ने अपने लैंड के अंदर स्प्रिंग गन्स सेट किए हुए थे। स्प्रिंग गन्स बेसिकली ऐसे गन्स होते हैं जो कि धागे से कनेक्टेड होते हैं और उनको अगर आप क्रॉस करो या वो धागे को टच करो तो वो फायर कर देते हैं। तो स्प्रिंग गन्स कनेक्ट किए हुए थे डिफेंडेंट ने, जिस वजह से ट्रेसपासर को ज़्यादा चोट लग गई। तो इस केस में कोर्ट ने बेसिकली ये बोला था कि ट्रेसपासर के खिलाफ डिफेंडेंट की रेमेडी थी नो डाउट, पर लेकिन जो एक्स्ट्रा जो स्प्रिंग गन की चीज डिफेंडेंट ने की, दैट टू विदाउट एनी नोटिस, वो चीज ट्रेसपासर को अलाउ कर दी कि वो क्लेम कर सकता है। तो इस केस के अंदर बेसिकली इस ट्रेसपासर को कंपनसेशन मिला था। कि बेसिकली वो वाली चीज है जैसे कि लोगों के घर में अगर कोई ऐसा खतरनाक डॉग होता है, बुलडॉग वगैरह, तो वो लोग आगे अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा देते हैं दैट हमारे घर में भाई डेंजरस डॉग है,
आप बिना किसी को बताए घर में नहीं घुसना। तो यहाँ पे बस कोर्ट ने बेसिकली यही बोला था कि यू शुड हैव गिवन अ नोटिस, भले ही ट्रेसपासर अपने लेवल पे गलत था, द प्लेंटिफ वाज द रॉन्ग डूअर, बट ये वाला जो डिफेंस है ये आप नहीं ले सकते हो क्योंकि आपकी खुद की भी गलती थी। ठीक है, अब मैंने इसके आगे ये स्लाइड है, इसको मैंने बहुत ज़्यादा कलरफुल कर रखा है ताकि इससे हम ये चीज़ भी सीख सकते हैं कि किस तरीके से सेक्शन ब्रेकिंग करनी होती है लॉ के अंदर पढ़ने के लिए। तो सेक्शन ब्रेकिंग मैं किसी और वीडियो में सिखाऊंगी, पर लेकिन इस टाइम हम इस पूरे पैराग्राफ को समझते हैं। ये पैराग्राफ थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी है बट बहुत ज़्यादा बुक्स में लिखा होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है कि अ ब्रिज अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफेंडेंट, कि जो एक ब्रिज था वो डिफेंडेंट के कंट्रोल में था, गिव्स वे। यहाँ पे गिव्स वे का मतलब ये है कि वो टूट गया। ठीक है, जो ब्रिज था जो कि डिफेंडेंट के कंट्रोल में था वो टूट गया। कब टूट गया? गिव्स वे व्हेन एन ओवरलोडेड ट्रक बिलोंगिंग टू द प्लेंटिफ पासेस थ्रू इट, कि एक ओवरलोडेड ट्रक जब एक ब्रिज के ऊपर से गया तो वो ब्रिज टूट गया। अब इसमें पहला एलिमेंट आता है कि इफ द ट्रक वॉज ओवरलोडेड कॉन्ट्ररी टू द वार्निंग नोटिस ऑलरेडी गिवन and the bridge would not have given way if the truck was properly loaded, the plaintiff's wrongful act is the determining cause of the action. अब यहाँ जो येलो में मैंने लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर ट्रक ओवरलोडेड था और उसने वार्निंग नोटिस को भी इग्नोर कर दिया और जो ब्रिज था वो तब ना टूटता अगर ट्रक प्रॉपरली लोडेड होता, तो इस सिचुएशन के अंदर जो गलती है वो प्लेंटिफ की होगी क्योंकि अल्टीमेटली प्लेंटिफ के रॉन्गफुल एक्ट की वजह से ही एक्सीडेंट हुआ। अब यहाँ क्या लिखा मैंने, इन सच अ केस इवन इफ द ब्रिज वॉज नॉट अंडर प्रॉपर रिपेयर्स द प्लेंटिफ्स एक्शन विल फेल, कि मतलब हो सकता है कि यार इस केस के अंदर भी जो ब्रिज था वो प्रॉपरली रिपेयर्ड नहीं था, पर लेकिन अगर ट्रक जो है जो सिचुएशन है वो इस सिचुएशन वन के अंदर लाए करती है तो प्लेंटिफ की ही गलती मानी जाएगी। अब ऑन द अदर हैंड सेकंड कंडीशन, इफ द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट एंड नॉट ऑफ द प्लेंटिफ इज द डिटरमाइनिंग कॉज ऑफ द एक्शन, द डिफेंडेंट विल बी लायबल। अब हमने पहला सिचुएशन पढ़ा जहां पर प्लेंटिफ लायबल होगा सिमिलर कंडीशन में, सिमिलर एक्सीडेंट हुआ है, एक ट्रक ओवरलोडेड था वो गया है और उस वजह से एक ब्रिज टूट गया है। तो सिमिलर केस के अंदर हमने पहला केस पढ़ा जो येलो में मैंने लिखा हुआ है जिसके अंदर प्लेंटिफ लायबल था। अब डिफेंडेंट कब लायबल होगा? इन द अबव इलस्ट्रेशन इफ द ब्रिज हैज बीन सो इल मेंटेन्ड दैट इट वुड हैव गिवन वे इवन इफ द ट्रक हैड बीन प्रॉपरली लोडेड द प्लेंटिफ्स एक्शन विल सक्सीड, कि मतलब अगर ऐसा केस था कि अगर अपना ट्रक लोडेड होता प्रॉपरली तो भी वो ब्रिज टूट जाता, तो उन केसेस के अंदर गलती किसकी होगी? डिफेंडेंट की गलती होगी, प्लेंटिफ का एक्शन सक्सीड कर जाएगा। दस इफ अ प्लेंटिफ being a wrongdoer is an act quite independent of the harm caused to him, the defendant cannot plead that the plaintiff himself is a wrongdoer. यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये लास्ट के तीन लाइन्स कि दस अगर जो प्लेंटिफ है वो भले ही गलत हो और उसका भी थोड़ा बहुत हाथ हो, पर लेकिन अगर डिफेंडेंट की वजह से मेन इम्पॉर्टेंट जो हार्म हुआ है वो डिफेंडेंट की वजह से हुआ है तो डिफेंडेंट plaintiff himself is a wrongdoer का जनरल डिफेंस क्लेम नहीं कर सकता है। अब अगला जो हमारा जनरल डिफेंस है वो है इनएविटेबल एक्सीडेंट। इसके अंदर बेसिकली ये जो जनरल डिफेंस है वो ये कहता है कि अगर एक्सीडेंट हुआ है जो कि अनएक्सपेक्टेड इंजरी हुई है जिससे, एंड इफ द सेम कुड नॉट हैव बीन फोरसीन एंड अवॉइडेड इन स्पाइट ऑफ रीजनेबल केयर ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट इट इज इनएविटेबल एक्सीडेंट। इनएविटेबल एक्सीडेंट है क्या कि अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो कि अनएक्सपेक्टेड था, जिसे फोरसीन नहीं किया जा सकता था, अवॉइड नहीं किया जा सकता था, डिपेंडेंट ध्यान रखता तब भी अवॉइड नहीं किया जा सकता था, तब वो इनएविटेबल एक्सीडेंट होगा। इसका केस क्या है? इन स्टैनले वर्सेस पोवेल, इस केस के अंदर बेसिकली क्या हुआ था कि जो प्लेंटिफ है और डिपेंडेंट है वो एक शूटिंग पार्टी का हिस्सा थे और वो लोग शूटिंग करने गए। अब क्या हुआ कि जो डिपेंडेंट ने जब अपनी गन चलाई तो वो गन एक पेड़ से लग के वापस आ गई और उस वजह से प्लेंटिफ को चोट लग गई। तो ये बोला गया कि जो इंजरी थी वो एक्सीडेंटल थी एंड द डिफेंडेंट वाज नॉट लायबल, क्योंकि इसके अंदर तीनों चीज़ें फुलफिल हो रही हैं। पहली बात तो जो इंजरी थी वो अनएक्सपेक्टेड थी, दूसरी चीज़ वो फोर्सी या अवॉइड नहीं की जा सकती थी, वो एक शूटिंग पार्टी का हिस्सा थे और दोनों ही मिलकर शूटिंग कर रहे थे,
है ना, एंड इन स्पाइट ऑफ रीजनेबल केयर वो चीज इनएविटेबल है. तो वो ये इनएविटेबल एक्सीडेंट का जो जनरल डिफेंस है वो इस केस के अंदर वैलिड माना गया था. आगे मैंने लिखा हुआ है कि इट मे बी नोटेड दैट द डिफेंस ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट इज अवेलेबल व्हेन द इवेंट इज अनफोर्सिएबल एंड द कॉन्सिक्वेंसेज अनअवॉइडेबल इन स्पाइट ऑफ रीजनेबल प्रिकॉशंस. ये चीज जो मैंने भी पीछे बताई वही लिखी हुई है. इवन इफ द इवेंट इज लाइक हैवी रेनफॉल एंड फ्लड, बट इफ द सेम कैन बी एंटिसिपेटेड एंड गार्डेड अगेंस्ट एंड द कॉन्सिक्वेंसेज कैन बी अवॉइडेड बाई रीजनेबल प्रिकॉशंस, द डिफेंस ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट कैन नॉट बी प्लीडेड इन सच अ केसेस. इसके अंदर बेसिकली ये चीज बोली गई है कि रीजनेबल प्रिकॉशंस लेने इम्पॉर्टेंट है. कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर रीजनेबल प्रिकॉशंस लेकर वो चीज वो एक्सीडेंट ना होता, तो उन केसेस के अंदर इनएविटेबल एक्सीडेंट का जो जनरल डिफेंस है वो नहीं ले सकते, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके रिक्वायरमेंट यही है कि जो जो एक्सीडेंट हुआ है वो रीजनेबल प्रिकॉशंस के बावजूद भी ठीक नहीं किया जा सकता था. और यही पॉइंट एक्सप्लेन किया है इस केस के अंदर एस वेदांताचार्य वर्सेस हाईवेज डिपार्टमेंट ऑफ साउथ आर्कोट. इस केस के फैक्ट्स में बता देती हूँ. इस केस के अंदर बेसिकली ये हुआ था कि एक हाईवे था और उसके आसपास एक नदी थी, तो बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हुआ और उस वजह से वो जो ब्रिज है वो कोलैप्स कर गया और जो प्लेंटिफ की जो ट्रक थी वो टूट गई और उसका सामान वामान सब मतलब उसको लॉस हुआ. तो इस केस में बेसिकली कोर्ट ने नोटिस किया कि यहाँ पर इनएविटेबल एक्सीडेंट क्यों नहीं लगा, ये मेन बात थी. तो यहाँ पे इसलिए नहीं लगा क्योंकि जो हाईवे डिपार्टमेंट की गलती थी कि जब 7 दिन से लगातार बारिश हो रही थी तो उन्हें उस ब्रिज पे प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे. उन्हें चेक करना चाहिए था कि वो ब्रिज टूट तो नहीं जाएगा. अगर उन्होंने चेक नहीं किया तो वो उनकी गलती थी, तो इस वजह से उनको गिल्टी माना गया हाईवेज डिपार्टमेंट ऑफ साउथ आर्कोट को. अभी अगला जो हमारा जनरल डिफेंस है वो है एक्ट ऑफ गॉड. एक्ट ऑफ गॉड इज अ काइंड ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट विद द डिफरेंस दैट इन द केस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड द रिजल्टिंग लॉस अराइजेस ड्यू टू वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्सेस. मतलब कि एक तरीके से इनएविटेबल एक्सीडेंट ही है, सारे इनएविटेबल एक्सीडेंट के जो एलिमेंट्स है वो फुलफिल करता है, पर इसमें एक स्पेशल चीज ये है कि जो लॉस हुआ है ना उसमें नेचुरल फोर्सेस का हाथ था, किसी भी ह्यूमन बींग का हाथ नहीं था, नेचुरल फोर्सेस का हाथ था. जैसे कि हैवी रेनफॉल हो गई या स्टॉर्म हो गया या फिर वोल्केनिक इरप्शंस हो गए, टाइड्स हो गए, ये सब चीजें हो गई. मतलब कि नेचुरली कोई नेचुरल कैलामिटी आई है. हैज़बरी लॉज ऑफ इंग्लैंड के अंदर इसकी डेफिनेशन दी हुई है एक्ट ऑफ गॉड की. एन एक्ट ऑफ गॉड in a legal sense may be defined as an extraordinary occurrence of circumstances which could not have been foreseen. pehla element pehle se foresee nahi ki ja sakte the, and which could not have been guarded against, or more accurately as an accident due to natural cause. dusra ki natural cause ki wajah se hua hai directly and exclusively without human invention, which is fir se wahi kehti hai ki due to natural cause, and which could not have been avoided by any amount of foresight. कि उसको avoid नहीं किया जा सकता. तीसरा element, and care to be expected of a person sought to made liable for it or who seeks to excuse himself on the ground of it. मतलब ऐसा इंसान जो कि excuse कि किसी एक इंसान के reasonable care के बावजूद भी वो accident ठीक नहीं किया जा सकता था. the occurrence need not be unique nor need not be needed be one that happens for the first time. It is enough that it is extraordinary. Fourth element, extraordinary. तो चार element निकल के आए which could not be foreseen, जो कि natural causes की वजह से हुआ है, जिसको कितनी भी foresight आप लगा लो आप उसको avoid नहीं कर सकते थे. And fourth, extraordinary. ये जब चार elements cross होंगे तब act of God माना जाएगा. Two important essentials are needed for this defense. पहला तो कि natural forces, और चौथा क्या है, दूसरा क्या है, the occurrence must be extraordinary and not one which could be anticipated and reasonably guarded against. जो एलिमेंट्स मैंने बताए वही यहाँ पे लिखे हुए हैं. अब इसमें केस है निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड. इसके अंदर जो डिफेंस है वो सक्सेसफुली अप्लाई हुआ था. इसके अंदर बेसिकली ये हुआ था कि जो डिफेंडेंट थे उसने एक आर्टिफिशियल लेक बनाई जिस वजह और उसने उसके साथ कुछ नेचुरल स्ट्रीम्स पे डैम बनाए. अब एक दिन इतना ज़्यादा हैवी रेनफॉल हुआ जो कि ह्यूमन मेमोरी में सबसे ज़्यादा रेनफॉल माना जाता है, जिस वजह से उसका जो डैम थे वो टूट गया और उस वजह से प्लेंटिफ को काफ़ी लॉस हुआ. तो इस केस के अंदर डिफेंडेंट को
एक्ट ऑफ गॉड का जो डिफेंस है वो मिला था। तो आज के इस लेक्चर 3 में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको कॉन्स्टेंटली अपडेट्स मिलते रहें कि मैं कौन सा वीडियो अपलोड करती हूँ। ऑल्सो अगर आप हैंड रिटन नोट्स चाहते हो कुछ, तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल लीगल 101 को भी फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू, बाय बाय।